आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। जय हे जय हे जय हे जय हे पच 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 ओम नमो रंजम जीम छीम हम समजम वम हुम पे हे चाम चीम चुम छे छे चौम चौम चम छे जीम राम रीम रूम हरे हरे रोम हरम हरम हरा द्राम रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जय जय अस्माकं श्रीरस्तु श्रीरस्तु परमेश्वराय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति वर्तारक पारिपर प्रसादात सदरम श्री बलाहुरालोकेश्वरीय अभिवृद्धिरस्तु सदरम सैतिस्य पच्चीस्य वर्गः। ओम विष्णुपादः श्रीवन्मान पर्यन्ता चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगलां देहा अस्माकं देहा मुक्तिते सिद्धं कर्मस्तु सदं कार्येषु ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पादी शंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्यतेजोमूर्तये प्रभामंडलमंडिताय द्वादशवैश्यताय अनंतदुष्टचेताय समासत्त्विवलज्ञानलक्ष्मीशोभिताय अष्टादशदोषरहिताय सप्तचत्वारिगुणसंयुक्ताय परमेष्टिपवित्राय सम्यग्ज्ञानाय शंभुवे चित्ताय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रैलोक्यमयताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन विज्ञान शाश्वताय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उत्सर्ग विनाशनाय घाती कम शंकराय अजराय भवाय अस्माकं श्री नरेन्द्र जयंती से परिवार से एवं सकल जय समाज से अस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग सुपैक्या विनाशः। ओम नमो रते भगवते प्रक्षीणासे दोष कर्मशाय दिव्यतेजोमूर्ताय श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नपणाशनाय सर्वरोगामृत्यु विनाशनाय सर्वपर्कशुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्वारे शांतिकराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्राति अंतरमयं मम सर्वविघ्नं शान्ति कुरु कुरु तुष्टि मम काम जगति काम बलि काम पापम वैरम चे अग्निवायु सर्वशत्रु विघ्न सर्वोत्सर्ग सर्वविघ्न सर्वराजभयम् सर्वचोदुष्मयम् सर्वप्रशिक्षक सिंहादिभयम् सर्वभयम् सर्वदोषम यादि नाम्रम च
सर्व परमंत्रम सर्वादुघातम परघातम च सर्वशूलोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम शिररोगम ज्वररोगम च सर्वनर्मार्यम सर्वागजाशुभोमि सज्मार्यम सर्वसस्यधाम वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पलमार्यम सर्वराष्ट्रमार्यम सर्वकृताशाग्नि दातिवयानि सर्ववेदनीयम् सर्वमोहनीयम् सर्वापस्मारिम् मातम् अशुद्रम् जनितदुःखानि दुर्यन्तान् मन्त्रतम् दृष्टिमुष्टिचलचिद्रदोषान् सर्वदुष्टदेवदानवीननाहर्तिंयोगनिकृतदोषान् सर्वाष्कुलिनाजनितविस्मयानि सर्वसावर्जङ्गम् रसिचक्सर्पादिकृतदोषान् सर्वसिंहाष्टापदादिकृतदोषान् मानवचाचरविद्वेषमोहनरसिकणादिदोषान् अस्मभ्यं चक्रविक्रम सत्यजवल सुरशान्तेः सर्वजीवानन्दनम् भव्यानन्दनम् कुलानन्दनम् च सर्वराजानन्दनम् रामनगर क्रीडाकर्वटमठं दोणमुख संवानानन्दनम् सर्वानन्दनम् यत्रिषु लोकेषु व्याधिग्रस्तं वर्जितम् अभ्यं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विजयति श्रीशान्तिरस्तु सर्वमस्तु सर्वोऽस्तु सर्वारोग्यमस्तु सर्वार्थं पुष्टिरस्तु सर्वसद्भिरस्तु सर्वकल्याणमस्तु सर्वसमस्तु सर्वशक्तिरस्तु सर्वदायुरस्तु सर्वसदा सन्तु सदर्व श्रीबलावरारोग्येश्वर्या अभिवृद्धिरस्तु श्रीं क्लीं ऐं अर्हं तस्यावसानाहत् विद्यायै नमोऽर्यङ्कणं वरं सं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्लीविलासं सकलशुक्लध्यायित्वा सरलपं धीरं वीरं शरीरं निरुपं पुण्यत्वा कोटिशतं द्वादशैव कोट्युलक्षाणि चेतिस्रुतिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यो मे तच्छ्रुतं पञ्चपदं नमः हेतुइदं कायं स्यानिच्चकालमञ्चेमि पूजयमि वन्नामि नमंसामि दुःखकौकमकौं वैलावसुवैगं नं समायि मृणं जिन्गुणसम्पत्त्यो मञ्च पौर्वाणिक स्वाध्यायवेलायां श्रीमदाचार्यभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम् श्रुतजलधिपारगम्या सुपरमतविभावना पटुमतिम्भ्य सुचरिततपोनिधिम्भ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसगुणसमङ्गी पञ्चव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगकुशली धम्मायुरि सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेणय तरन्ति संसारसायरं घोरम् छिन्नन्ति अट्टकं जम्मनमरणं न पाविन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्न्योत्राकुलः षट्कर्माभिरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव श्रीमत्प्रावरणागणप्रेरणा चन्द्रार्कते ज्योतिकः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः
बारह अनुपेक्षाएं क्या होती है बता रहे हैं। जो बारह अनुपेक्षा उसी को प्रत्याख्यान कहा है, वही प्रतिक्रमण होता है, वही आलोचना है, वही समाधि है। इस कारण इस अनुपेक्षा की भावना हमेशा करना चाहिए। अब देखो ये अचर कुंड स्वामी जी ने लिखा है, जो समय सार में आती है वही बात यहाँ पर आ गई है। नियम सार में आती प्रत्याख्यान क्या कहलाता है? नहीं, प्रत्याख्यान दोष, प्रत्याख्यान कहलाता है आगामी दोष हमसे ना हो, भविष्य में गलतियां हम ना करें। जो संकल्प लिया उसको कहते हैं प्रत्याख्यान। समाधि भी इसको कह दिया, सब में ये ही होता है। जब हम अतीत के दोषों का चिंतन करते हैं प्रेर, तो अपने आप को धिक्कारते हैं, यानी बारह भावना के चिंतन में वो भी आ जाता है। अचर भगवान उसको सिद्ध कर रहे हैं कैसे आ रहा है। टीका, तम्मा तस्मात् संसार विरमणार्थम इति पूर्व गाथा सूत्रेण संबंध। पहली गाथा में जो आया था कि संसार से विरक्ति के लिए बोधि दुर्लभ भावना माना चाहिए, तब उसी को कह रहे हैं संसार से विरक्त होने के लिए पूर्व गाथा से संबंध लगाना। भावेज भावित भावना अणुविखाव की भावना करें। यस्मात् इति संबंध नियम, चूंकि क्या होता है वो बता रहे हैं। वारस अणुवेखाओ यानी द्वादश अनुप्रेक्षा पच्चखाणम प्रत्याख्यानम में भविष्य में और वर्तमान में, महाराष्ट्र इसको वर्तमान में भी ले रहे हैं, भविष्य और वर्तमान के काल में जो योग्य नहीं है ऐसी अयोग्य वस्तु का हम ग्रहण ना करें, उसका त्याग करना, और जो योग्य भी है उसका भी त्याग कर देना तपश्चर्या के लिए। मात्र अयोग्य का ही त्याग नहीं होता है, योग्य का भी त्याग हो जाए। हाँ हाँ, योग्य का भी त्याग है। अब आचार्य भगवान रस परित्याग, नमक नहीं लेते, ले सकते कोई बाधा नहीं, मीठा नहीं ले सकते, ले सकते। हरी सब्जी नहीं लेते, फल फूल नहीं लेते, मना नहीं है आगम में, ले सकते, योग्य है, कोई बाधा नहीं है, फिर भी त्याग है। क्यों योग्य का त्याग? क्यों? तप के लिए। तपस्या जब होती है करना होता है तो उसमें हमारे योग्य है फिर भी नहीं करेंगे। आचार्य श्री ऐसा कहते थे कि मुनि महाराज ऐसे होते हैं कि ये भी संकल्प ले लेते हैं, शास्त्र अच्छा है, योग्य पढ़ने के लिए है, फिर भी नहीं, उसकी भी याचना नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं योग्य, तो वो किस लिए? तप के अर्थ के लिए, जिससे तप होता है, यानी इच्छा है लेने की फिर भी इच्छा का निरोध करना, वो तप कहलाता है। फिर भी नहीं चाहिए, करना दस दोषों से ऊपर हट करके। जब प्रायश्चित आदि लिए जाते हैं तो उसमें दस दोष होते हैं प्रायश्चित के भी। कोई भीड़ है गुरु के पास जाकर के, भीड़ में बोल दिए गुरु जी ने सुना ही, गुरु को पहले प्रसन्न कर देते हैं कुछ देकर भेंट, फिर प्रायश्चित मांग लेते हैं तो गुरु जी कम प्रायश्चित देंगे। अरे ऐसा होता है, दोष है, आता है। अब
आप कुछ ला करके दे दो, रोज अच्छे से सही सेवा करो, फिर बाद में जा करके धीरे से प्रायश्चित मानो मांगोगे तो वही तो ये दोष है। इस प्रकार की वृत्ति हो जाती है। अथवा किसी से पूछ लिया कि तुम्हारी वो गलती थी, तुमको क्या मिला था प्रायश्चित? हाँ, यदि छोटा प्रायश्चित मिला तो मैं लेने चले जाऊंगा, बड़ा होगा तो फिर नहीं जाऊंगा, ऐसा भी होता है। अथवा किसी को जो प्रायश्चित मिल लिया तो अब अपन बताएंगे तो नहीं गुरुजी को, हाँ वही प्रायश्चित कर लेंगे चुपचाप, ताकि उनको पता ना लगे प्रायश्चित तो कर लिया मैंने, लेकिन बताना नहीं, हिम्मत नहीं हो रही है। तो सामने वाले को जो मिला था प्रायश्चित उससे पूछ करके, तो इस प्रकार के दोष आते हैं, 10 प्रकार के दोष आते हैं। राजश्री देखना चाहते हैं कि उसकी भावना कितनी है शिक्षक सामने वाले की प्रायश्चित लेने की। बहुत तरीके होते हैं राजश्री के पास, बहुत सारे तरीके हैं। उदाहरण
जैसे समुद्र में कोई जहाज चल रहा है और वो पक्षी मतलब प्रिय है पंखों से उड़ने वाला पक्षी अपनी इच्छा अनुसार विहार करता है, आकाश में उड़ता है और उड़ करके पुनः उसी जहाज में आकर के बैठ जाता है। भूयिष्ठ था प्रतिभासना, कितना भी वो दौड़े उसकी भावना रहती है, कितना भी करे वो वापस आकर के जहाज में ही बैठेगा। कितनी भी गलती हो जाए हमसे, कुछ भी हो जाए, लेकिन आना अपने ही भीतर पड़ेगा। कहीं व्यक्ति ज्यादा बाहर अधिक समय तक नहीं रह सकता, जैसे पक्षी समुद्र में अधिक समय तक उड़ नहीं सकता, आना उसको अपने जहाज पर लौट करके ही आना पड़ता है। वैसे ही जब वो हम अनुप्रेक्षा से भरते हैं, भावना भाते हैं, 12 भावना, तो पुनः अपने भीतर लौट करके आ जाते हैं। चाहे वो गलतियाँ हो गई तो उसका पश्चाताप करते अपने आप को धिक्कारते हैं। तो अनुप्रेक्षा करने का ये फायदा होता है कि व्यक्ति उस पक्षी की भांति लौट करके अपनी आत्मा में आ जाता है, जैसे वो पक्षी जहाज में लौट करके आ जाता है। ये तथा उसी प्रकार अनुप्रेक्षा करने अंतःकरणम स्वात्मनम, अनुप्रेक्षा करने से अपने मन को वो अपने ही आत्मा में लगा लेता है। अनुप्रेक्षा स्व आलोचना कर्म बंध न्यूनत्वात् तथा ही तस्करस्तलवर ग्रहित तत्क्षणे दोष स्वीकारात् दंडस्य न्यूनताम आलोचयति तथा भावना भाषित हृदय कर्म लेपस्यति। देखो, अनुप्रेक्षा को आलोचना भी कहा है, अपनी स्वयं की आलोचना है। उदाहरण क्या दे रहे हैं, जब हम अनुप्रेक्षा करते हैं और आलोचना करते हैं तो उस समय कर्म का बंध बहुत अल्प होता है, न्यून होता है। कैसे? जैसे कोई कोतवाल अथवा पुलिस किसी चोर को पकड़ करके ले जा रही है और चोर उसी समय स्वीकार कर ले, नहीं मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, अदालत में जाकर के कोर्ट में जाकर के स्वीकार कर ले कि नहीं मैंने अपराध किया है, तो उसी क्षण उसके दुष्ट स्वीकार करने से उसका दंड जो है कम हो जाता है, और स्वीकार ना करे उसको मना करते रहे तो उसका दंड बढ़ जाता है। तो ऐसे ही यदि हमसे गलती हो गई तुरंत क्षमा मांग लें, तुरंत स्वीकार कर लें, तो कर्म का बंध न्यून होता है। यही आलोचना, समझते ना, सॉरी गलती हो गई तो सॉरी, यही आलोचना होगी, तुरंत गलती तुरंत क्षमा मांग लिया, ये आलोचना कहला। तो ऐसी भावना से वासित हृदय का कर्म का लेप जो है कम होता है। अनुप्रेक्षा एव समाधि, अनुप्रेक्षा समाधि ही, अनुप्रेक्षा ही समाधि है। सद्यो ही चित्तस्य स्थैर्यत्वात्, तुरंत उसका चित्त में स्थिरता आ जाती है, उसका चित्त जो है स्थिर हो जाता है। यथा आपने ग्राहक स्वरचि वस्तु सम आदधाति बहुद्रव्य समन्विते अपि तथा अनुप्रेक्षायां मनः, जैसे किसी दुकान में ग्राहक, उदाहरण दे रहे हैं, अपनी रुचि के अनुसार उस बहुत अपनी वस्तु को, मनपसंद वस्तु को ग्रहण कर लेता है, बहुत सारे द्रव्य हैं, बहुत सारी वस्तु उस दुकान में रखी हैं, फिर भी मनपसंद वस्तु को ग्रहण कर लेता है, ले लेता है। उसी प्रकार जिसका मन अनुप्रेक्षा में लगा है वह जीव यथमे मुनिराज तुरंत स्थिरता को पा जाते हैं। तो 12 अनुप्रेक्षा में प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना और समाधि अपने आप समाहित हो जाती है, इसका यह अर्थ है। टीका, संसार से निवृत्त के लिए अनुप्रेक्षाओं की भावना करना चाहिए। 12 अनुप्रेक्षाएं ही प्रत्याख्यान हैं, क्योंकि तब के लिए अनागत और वर्तमान काल में अयोग्य ग्रहण करने का त्याग और योग्य का त्याग प्रत्याख्यान है। अतीत काल संबंधी दोषों का हिंदी ने की तब की, योग्य का त्याग से तप हो जाता है। अतीत काल संबंधी दोषों का उन्मूलन करना प्रतिक्रमण है। गुरु के लिए अथवा गुरु के समक्ष आलोचना संबंधी 10 दोषों से रहित प्रमाद का निवेदन करना आलोचना। भवांतर में रत्नत्रय की प्राप्ति को समाधि कहते हैं। वर्तमान और भविष्य दोषों से मन को हटाने से अनुप्रेक्षा ही प्रत्याख्यान है। अग्नि से जलते हुए शिशु के समान उस ज्वलन दोष की भावना से, अग्नि जलाती है यह सोचकर भावित मन वाला
जैसे अपने को अग्नि से बचाता है उसी प्रकार मुनि भी भावना के द्वारा अपने को पाप से बचाता है। प्रमाद का और अज्ञान का अत्यंत प्रतिभास नहीं होने से भूयिष्ठता अप्रतिभासनात्, अज्ञान को नहीं समझ पाता, प्रमाद को नहीं समझ पाता, अनुप्रेक्षा ही प्रतिक्रमण है। जैसे जहाज से पक्षी स्वतंत्रता से घूमकर पुनः जहाज पर लौट आता है, वैसे ही अनुप्रेक्षा करने से मन अपने में आ जाता है। कर्मबंध में न्यूनता होने से अनुप्रेक्षा ही आलोचना है। जैसे कोतवाल के द्वारा पकड़ा हुआ चोर उसी क्षण अपराध को स्वीकार करने से दंड की न्यूनता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार भावना से संस्कारित हृदय यदि आलोचना कर लेता है तो कर्म लेप यानी कर्म बंध की न्यूनता को प्राप्त होता है। शीघ्र ही चित्त की स्थिरता होने से अनुप्रेक्षा ही समाधि है। जैसे दुकान में बहुत द्रव्य से भरी हुई होने पर भी ग्राहक अपनी रुचि के अनुसार वस्तु को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार अनुप्रेक्षा में मन अपनी रुचि की वस्तु पा लेता है। प्रतिक्रमण अतीत संबंध, पास्ट में जो गलतियां हो गई हैं, जब हम पास्ट में गलती को याद करेंगे तो अनुप्रेक्षा में क्या करते हैं, गलती हो गई मुझसे, अरे मैंने गलती क्यों कर दिया, इतना समय कम समय तो मेरे लिए मिला है, पर्याय इतनी कम समय के लिए, यानी अनित्य भावना का हम भावना भा जाते हैं, तो उसमें लौटते हैं तो वो अपनी गलती को पश्चाताप करके ही तो व्यक्ति स्थिर हो पाता है। नहीं, प्रायश्चित तो गुरु के समक्ष जाकर के मांगना पड़ता है, प्रायश्चित अलग चीज हो गई। प्रतिक्रमण तो अपन अपने दोष जो है ना, अब अंदर ही अंदर बोलते यार मैंने अच्छा नहीं किया, मनी मन तो धिक्कारते हैं, प्रतिक्रमण में वो करते हैं, प्रायश्चित तो उससे बात की स्टेज है, गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित मांगते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझे इसका प्रायश्चित दो। भगवान से तो प्रायश्चित थोड़ी मिलता है, भगवान तो बोलेंगे नहीं, प्रायश्चित देने के अधिकारी तो गुरु महाराज हैं, क्योंकि वही दोष सुन करके बताएंगे ना। अपने पढ़ करके अपन दवाई तो खा नहीं सकते, बीमारी बुखार आ गया है तो बुक्स में पढ़ लो और दवाई खा लो, ऐसा ना होता नहीं, जब तक डॉक्टर को दिखाओगे नहीं, डॉक्टर सही दवाई देगा नहीं तो रोग ठीक नहीं होगा। ऐसे ही जो गलती हो गई है गुरु बताएंगे किसके गलती का प्रायश्चित क्या है। हाँ, वो आचार्य महाराज ही पढ़ते हैं उसको। सब लोग मंदिर में जाकर के, हाँ आज नियम टूट गया, दो माला फेर ली हमने एक माला हाँ छोटी छोटी यदि गुरु ने बताया, फिर भी एक बार गुरु जी को बता दो, फिर गुरु महाराज जो बोले हाँ आगे से ऐसा कर लेना, तो अरे तो लिख लो, जब गुरु जी के पास जाओ तब बता देना, क्या बात है। हाँ, तो अज्ञान के कारण हो गई ना, है ना, तो वो बताना कि अज्ञान अज्ञात भाव से हुई कि ज्ञात भाव से हुई। ज्ञात भाव का प्रायश्चित अलग है, जानबूझकर किया, गलती से हो जाना, भूल करके हो जाना तो उसका प्रायश्चित कम रहेगा, जानबूझकर करना उसका प्रायश्चित ज्यादा रहेगा। तो गुरु महाराज तो सब जानते ही किस भाव से किया हुआ है, तो वो उसी हिसाब से प्रायश्चित देंगे। पहले पूछते हैं, वो गुरु आचार्य से पूछते हैं कैसे गलती हो गई, जान करके हुई कि गुरु जी के पास जाना, आचार्य देते प्रायश्चित के अधिकारी तो आचार्य, तो आचार्य हम लोगों को बोलते हैं जैसे कोई भी बड़ी गलती हुई तो लिख करके रख लेना, उस तारीख को लिख लेना क्या गलती हुई, फिर जब गुरु महाराज मिलेंगे उस समय उनको बता देंगे कि ये हुई थी उस समय, तो प्रायश्चित दे देंगे। और छोटे छोटे हैं तो बता कर करके ये हो जाए तो इस प्रकार का उन्होंने बता कर कर, छोटे छोटे जो अपराध होता है उसका वो बता देते कि हाँ इसके ये प्रायश्चित कर लेना, लेकिन बड़े अपराध तो लिख करके रखना, फिर जब मिलेंगे तब बताएंगे, अथवा पत्र से लिख करके पूछें जैसा भी होगा। पेज नंबर 770। यतश्च प्रत्याख्यानादयो अभिन्न अर्थः ततः तेषां करणार्थं प्रेरयति। देखो, चूंकि प्रत्याख्यान आदि जो पहले गाथा में क्या क्या है, प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, उनका अर्थ अभिन्न ही है 12 भावनाओं से, वो
जुदा नहीं है, अलग नहीं है, इस कारण उनको करने की प्रेरणा देते हैं। रत्ति दिवं पडिकमणं वच्चखाणं समाहि सामय्यं आलोयणं उपकुवदि जदि विज्जदि अपणो सत्ति। अब 12 भावनाओं को प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण कर दिया, इसका अर्थ ये नहीं समझना कि प्रतिक्रमण हम नहीं करें, प्रत्याख्यान नहीं करें, वो बता रहे नहीं। रात्रिक हो अथवा दैवशिक हो, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समाधि और सामायिक और आलोचना, यदि जितनी अपनी शक्ति है उतना तो करना ही चाहिए। मुनि महाराज के लिए कह रहे हैं मुख्यतः प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, सामायिक, समाधि, दैवशिक होते हैं और रात्रिक होते हैं। जैसे कोई प्रतिमा लेता है, दो बार प्रतिक्रमण होता है ना, सुबह भी और शाम का, तो सवेरे उठ करके जो होता है, रात्रि में मेरे जो दोष लग जाते हैं तत् संबंधी दोषों का प्रतिक्रमण, और दिन भर में जो दोष लगते हैं उसका प्रतिक्रमण शाम को होता है। तो रात्रिक और दैवशिक दोनों प्रतिक्रमण, ऐसे ही प्रत्याख्यान, ऐसे ही समाधि की भावना और ऐसे ही सामायिक आलोचना, यदि अपनी शक्ति जितनी विद्यमान है उस शक्ति के अनुसार अवश्य करना चाहिए। अच्छा श्री की हिंदी, आलोचना सुसमताव समाधि पाले सच्चा प्रतिक्रमण का सुचि भाव भाले प्रत्याख्यान कर रे दिन रात भाई है चांदनी क्षणिक तो फिर रात आई। क्या हाँ, प्रतिक्रमण कंपलसरी है, प्रत्याख्यान आवश्यक है, सामायिक आवश्यक, सामायिक करते ही हैं, आलोचना करते ही ठीक है। विज्जति विद्यते, यदि रहते हैं, यदि यदि किम तत्, यदि क्या रहता है, अपनो शक्ति आत्मना शक्ति, यदि आत्मा में शक्ति है स्वयं में, तो तरही तो इति योज्यम, तो क्या करें, किम पकुवदि प्रकरोति, प्रकरोतु इत्यर्थ, यानी करें, अवश्य करें, कदा कब करें, रत्ति दिवे रात्रिं दिवं रात्रौ च दिवा च समाहार द्वंद्व वृत्तिर निष्पाद्यम्, यानी दैवशिक और रात्रिक संबंधी दोनों ही काल में करें। किम तत् क्या करें, पडिकमनम प्रतिक्रमणम स्व आत्मानम प्रतिक्रमणम गमनम इत्यर्थ। प्रतिक्रमण से मतलब अपनी ही आत्मा की ओर आना लौट करके। जब अपन दोष का प्रतिक्रमण कर लेते हैं तो एकदम हल्का महसूस करते ना, और जब तक प्रतिक्रमण नहीं करें, आलोचना नहीं करें, तो मन भारी भारी सा रहता है, बहुत टेंशन में रहता है, और जैसे ही प्रतिक्रमण कर दिया अथवा प्रायश्चित मिल जाता है तो एकदम व्यक्ति बोलता चलो हल्का हो गया, एकदम भार था मन का वो बोझ था उतर जाता है ऐसे। तो प्रतिक्रमण ने क्या, स्व आत्मानम गमनम, यानी हल्का इतना हो जाता है कि वो अपनी आत्मा में आ जाता है। पच्चखाणम प्रत्याख्यानम स्व आत्मानम प्रतिक्रमणम गमनम अर्थ, प्रत्याख्यान भी क्या है, वो भी अपनी आत्मा की ओर लेकर के जाना, आत्मा में और आना है। पच्चखाणम प्रत्याख्यानम स्व आत्मानम प्रति आख्यानम कथनम स्वदोषम। प्रत्याख्यान से निकाल रहे हैं स्व आत्मा के प्रति ही आख्यान करना, यानी अपनी ही आत्मा को कहना कि मुझसे ये दोष हुआ है, भविष्य में मैं ये दोष नहीं करूँगा, किसी और को नहीं। यथोक्तम, अब प्रतिक्रमण में आती है लाइन, हा दुट्ठ कयम हा दुट्ठ चिंतियम भाषियम च हा दुट्ठम अंतो अंतो डच्छमी पच्छतावेण वेदंतो। क्या करते हैं, मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैंने दुष्ट कार्य किया, दुष्ट कृतम, तो
उसके लिए धिक्कार हो। हाँ बोलते ना, हाँ अच्छा नहीं किया, हाँ दुष्ट चिंतियाँ, मैंने जो दुष्ट चिंता की चिंतन किया हो, बुरा सोचा हो, वो भी इसके लिए भी धिक्कार हो। भाषियम, जो मैंने दुष्ट कहा हो, किसी को कठोर शब्द कहे हो, उसके लिए भी धिक्कार हो। अंतो अंतो डज्जमी, अंदर ही अंदर जल रहा हूँ, अंदर ही अंदर पश्चाताप की अग्नि में मैं जलता हूँ। पश्चतावेण वेदंतो, यानी पश्चाताप करते हुए वह ऐसी वेदना का अनुभव करता है। जब कोई गलती हो जाती है तो व्यक्ति कैसे धिक्कारता धिक्कारता है, अंदर से आंसू आते कभी अंदर से व्यक्ति का हृदय रोना चाहिए। जो गलती मन से हो गई, चिंतन संबंधी, बोल वचन संबंधी हो गई, अथवा शरीर से हो गई, कृत मन वचन काय से हो गई, तीनों ही प्रकार से जो गलतियां हो गई हैं, उसके लिए अंतर ही अंतर वो पश्चाताप की अग्नि में जलाए और उसका वेदन करे इत्यादि। समाहि समाधिम सम अतीति आधिम मानसिक पीड़ाम वर्तमन वर्तनम समाधि संकल्प विकल्प विकल्प मना इत्यर्थ। समाधि का शाब्दिक अर्थ निकाल रहे हैं महाराज जी। समाधि कैसे बनाए, सम उपसर्ग पूर्वक आधि शब्द मिलता है तो समाधि बनता है। आधि का अर्थ होता है मानसिक वेदना, मन में उठने वाला जो तनाव होता है, मन मानसिक बीमारी जो होती है ना, उसको कहते हैं हिंदी में आधि, और व्याधि होती है शारीरिक बीमारी। तो समाधि क्या है, सम उपसर्ग पूर्वक जो सम अतीत आधिम मानसिक पीड़ा वर्तनाम समाधि, यानी जिसने मानसिक पीड़ा को ओवरकम कर लिया, उसको ऊपर उठ गया है, यानी अपने मानसिक परिणाम को शांत बना लिया, सो समाधि कहलाती है। मानसिक पीड़ा वर्तनम समाधि, यानी संकल्प विकल्प विकल्प मना इत्यर्थ, यानी जो संकल्प विकल्प के भाव उठ रहते हैं वही आदि कहलाती है मानसिक पीड़ा है, और उसके ऊपर जो समता रूप परिणाम समीचीन आ गया, ता आ गई है वही समाधि। तामिति सामयम सामयिकम सम एकी भावेन अयनम गमनम भवनम वा समयः तेन चरति इति अर्थ इति अत्र इकण प्रत्यात निष्पत्ति। अब सामयिक में क्या होता है, सभी लोग पूछते हैं सामयिक में क्या करना, तो सामयिक की परिभाषा बता रहे हैं, सम प्लस अयनम ने समीचीन रूप से एकी भाव होकर के आत्मा में गमन करना, एकी भाव से आत्मा में ठहरना, वो कहलाता है समय। समयसार की बात करें, समय का क्या अर्थ हुआ, एक तो आत्मा भी अर्थ होता है, तो आत्मा का कैसे बनता है, सम प्लस अय दो शब्द मिलकर के बना, सम उपसर्ग पूर्वक अय धातु से, अय धातु का अर्थ होता है गमन करने पर, तो समता रूप से समीचीन रूप से अपनी आत्मा में गमन करना सो समय। तेन चरति उस आत्मा में फिर आचरण करना वो ही है कहलाती है सामयिक। सामयिक में क्या होता है, अपनी आत्मा में ठहरना मूल रूप से, फिर उसको में ठहरने के लिए पंच परमेष्टि की जाप है, नमोकार मंत्र है, कोई गाथा है, उसका आलंबन लेकर के पंच परमेष्टि की जाप करेंगे तो फिर हमारा ध्यान आर्यन परमेष्टि पे जाएगा, वो कैसे आत्मा में ठहरे हैं, आचार्य भगवान पे जाएगा तो वो कैसे ध्यान में रहते हैं, तो उनका स्मरण करते ही उनका स्मरण करते हुए हम अपने आत्मा में आ जाते हैं। इस कारण पंच परमेष्टि आदि की माला फेरना भी सामयिक कहलाता है। जाप करेंगे तो जाप करने का उद्देश्य क्या, जैसे नमो आर्य मैडम बोला तो अपने आचार्य भगवान को नमस्कार किया, तो आचार्य भगवान का स्वरूप आया, आचार्य भगवान कैसे आत्मा में ठहरे रहते हैं, ध्यान करते हैं, गुणात्मक चिंतन रहेगा। हाँ, फिर ऐसे आचार्य भगवान को याद किया तो फिर मुझे भी ऐसा ही होना है, हाँ मुझे भी ऐसे ही ध्यान में बैठना है, उनका स्मरण किया तो हाँ, तो ये तो ये तो नमोकार मंत्र ऐसा नहीं समझना कि माला फेरना सामयिक नहीं है, नहीं, पांच नमोकार मंत्र भी सामयिक होती है, हम ये कह रहे हैं हाँ, तो जब नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि को याद करेंगे तो उनका स्वरूप का स्मरण होगा, वो स्वरूप में कैसे बैठे हैं, फिर वैसे ही मुझे अपने आप को बैठाना है, हाँ
तो पंच परमेश्वरी के स्मरण से हम अपने आप तक ही पहुंचते हैं, अरिहंत भगवान के दर्शन से कहां पहुंचते हैं? हाँ तो खाली नहीं, वो तो माध्यम है, उस माध्यम से हम अपनी आत्मा में गमन करें, सामायिक वो कहलाती है। अब किसी के क्षमता नहीं है आत्मा में बैठने, वो चुपचाप बैठा है तो पता चला राग द्वेष के भाव उठने लगे, इधर उधर के भाव आने लगे। अब आप बैठे शांति से आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, दुकान याद आ जाए, घर याद आने लगे, सामायिक नहीं ना। तो फिर जब इतनी क्षमता नहीं है एकाग्रता लाने की, तो फिर कहते कि नहीं पंच परमेष्टि की माला फेरो, कम से कम पंच परमेष्टि में तो दौड़ोगे आप, घर में तो नहीं दौड़ोगे, दुकान में तो नहीं दौड़ोगे, नहीं। उसके बाद फिर उनका ध्यान के पश्चात अपनी आत्मा में ध्यान, नहीं तो ऐसा नहीं कि पंच परमेष्टि को माला फेर रहा है तो वो सामायिक नहीं, हम ये कह रहे हैं वो भी सामायिक है। अब हर एक की क्षमता नहीं रहती तो सदुपयोग में लगाओ। हाँ हाँ तो मन भटकने लगे तो फिर नमोकार मंत्र का आलम्बन ले लो, फिर थोड़ी देर चिंतन कर लो, फिर आलम्बन ले लो, वही तो है। और यदि इतना भी नहीं है, मन बिल्कुल नहीं लग रहा आत्मा के चिंतन में, तो नमोकार मंत्र की माला फिर कोई परेशानी नहीं, कोई गलत पाप नहीं है, वो गलत नहीं है, सामायिक नहीं है, वो ऐसा नहीं समझना कि सामायिक नहीं, सामायिक ही है वो। हाँ तो वो भी सामायिक, वो भी सामायिक। हाँ शिखर जी की वंदना कर रहे हैं कि टोक में जा करके कुंतुनाथ भगवान से सवार्षनाथ भगवान की, वो भी सामायिक। हाँ बिल्कुल। अब जिस भगवान के दर्शन रोज करते हो, भगवान की मूर्ति का चिंतन कर लिया, तो भी सामायिक। मन को टिकाना है जिस माध्यम से भी टिक जाए। हाँ तो पहले जो गृहस्थ होता है उसके लिए तो पंच परमेष्टि का ही आलम्बन लेना है, क्योंकि रहस्य के पास इतनी क्षमता नहीं है, शांति से बैठ जाए आत्मा का चिंतन। हाँ दोहराना मना तो नहीं है, मना नहीं है, दोहराना भी चाहिए, हाँ वो तो याद करना ही है। तो पहले पंच परमेष्टि का आलम्बन, फिर आत्मा का आलम्बन, आत्मा का याद करना, हाँ उनके माध्यम से आत्मा का चिंतन करो। हाँ तो वो भी एक तरीका है, जो आचार्य मामनंदी जी ने ध्यान सूत्र लिखे हैं, शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम, वो भी एक तरीका है। हाँ शुद्धा, हाँ हाँ वो भी, ये भी बहुत सारे तरीके हैं, ये बताया जा रहा है, वो भी तरीका है। तो हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ये भी तरीका है, मना नहीं है। हाँ किसी भी तमाम, हाँ बिल्कुल सही है। तो आत्मा की याद है, अब आत्मा की तक पहुंचने के इस भिन्न भिन्न माध्यम ये बताया जा रहा है बस। हाँ हाँ बिल्कुल सही है उन्होंने, वो तो अपना लक्ष्य है। हाँ 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 बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा चिंतन करते हो हम। हाँ तो बिल्कुल है ना, तो कहा जा रहा है सबकी क्षमता नहीं हो पाती इस प्रकार के चिंतन की, तो उनसे कहा कि नमोकार मंत्र का आलम्बन। वही तो जिसका मन जहां लग जाए, भिन्न भिन्न रास्ते हैं उसमें एक में टिकाना, बस टिकाना, लौट करके आना ही, लौट के आत्मा में ही, उसी का नाम समय है, फिर वही समय कहलाएगी। हाँ हाँ तो मन का स्वभाव भागना है, चला जाए फिर उसको लौटा करके लाओ ना। हाँ तो लौटा कर लेके आओ ना, मंत्र फेरते हुए मन दूसरी जा सकता है। हाँ तो हाँ वो भी सामायिक में आएगा, कोई बात नहीं, वो भी सामायिक में आ जाएगा,
वो भी चिंतन है, सामायिक में जाए वो भी चिंतन है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, हाँ कोई बात नहीं। हाँ तो यही तो तरीका है, पंच पर पंच परमेष्टि का आलम्बन लेकर के। मान लीजिए आप आचार्य भगवान के दर्शन करते हो तो आचार्य भगवान की मुद्रा का चिंतन करो, आचार्य भगवान की ध्यान अवस्था का चिंतन करो, उन्होंने क्या कहा उसका चिंतन करो, अपने में उतारो, जिससे भी आपका मन लग जाए, व्यक्ति का मन आत्मा में ही लगाना है, पर में नहीं, आत्मा में ही लगाना है। हाँ उद्देश्य उद्देश्य तो वही है, सुनो वही तो उद्देश्य, वही तो कह रहे हैं, क्या कह रहे तो वही परिभाषा बता रहे हैं। आलोयन, हाँ आगे आलोचनम निवेदनम स्वदोषाणाम, इधर सुनो, आलोचना क्या कहलाती है, निंदा नहीं दूसरों की, अपने दोषों का निवेदन करना, अपनी गलतियों का निवेदन करना आलोचना। यदि शक्ति ही आत्मनो अस्ति तरही प्रतिक्रमण आदि के मनो निरंतरम योज्यमित्यर्थ, यदि शक्ति है हमारी तो प्रतिक्रमण आदि में प्रत्याख्यान है, आलोचना है, समाधि है, सामने में अपने आप को निरंतर लगाना चाहिए। यदि विद्यमान है, क्या विद्यमान है, आत्मा की शक्ति अर्थात अपनी शक्ति, रात्रौ च दिवौ च समाः अनुवर्ति से रात्रि दिवौ यह निष्पादित हुआ, यदि अपनी शक्ति है तो हमेशा करना चाहिए, क्या प्रतिक्रमण करो, अपनी आत्मा के प्रतिक्रमण को, गमन करने को प्रतिक्रमण कहते हैं। प्रतिक्रमण भी अपनी भी आत्मा में ले जा रहा है, सामायिक में ही ले जा रहा है, प्रत्याख्यान में ही ले जा रहा है। प्रत्याख्यान को करो, अपनी आत्मा के प्रति आख्यान को अर्थात अपनी आत्मा के प्रति अपने दोष के कथन को प्रत्याख्यान कहते हैं। जैसा कि प्रतिक्रमण पाठ में कहा गया है, आए मैंने काय के द्वारा दुष्ट चेष्टा की हो, आए मैंने अपने मुख से दुष्ट वचन कहे हो, उस सबका वेदन करता हुआ मैं अंदर ही अंदर पश्चाताप रूपी अग्नि से जल रहा हूं। समाधि को करो, आदि को मैंने मानसिक पीड़ा को छोड़कर रहना समाधि है, अर्थात संकल्प विकल्प से रहित मन समाधि है। यह सामायिक करो, सम अर्थात एक ही भाव से अपनी आत्मा में जाना या रहना समय है, समय के साथ रहना ही सामायिक है। अब आत्मा की अपनी शक्ति है तो फिर प्रतिक्रमण आदि में निरंतर मन लगाना चाहिए, यह अर्थ। बिल्कुल पढ़ने चाहिए, आलोचना पढ़ तो लिखा ही मुख्य तरह तो अपने जो पाप हो रहे हैं पहले उसका प्रतिक्रमण करें। सावक प्रतिक्रमण में बारह का वर्णन पढ़ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, लेकिन जो पाप हम कर रहे हैं पहले उसके प्रतिक्रमण करें, तो उसका पढ़ना आलोचना पाठ है, फिर वो भी पढ़ो, पढ़ने के पश्चात अपने को सोचने की क्या मैं गलती कर रहा हूँ। प्रतिक्रमण तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार, छह बार, सात बार, जितने बार करोगे उतने बार करोगे। इसका पढ़ना पढ़ने से बात करनी नहीं, पढ़ने के लिए भाव लगाता कि मन से पढ़ने की मतलब मैं पाठ की बात थोड़ी चल रही हूँ। यदि एक बार आलोचना पाठ पढ़ेगा तो पढ़ेगा सभी जैसे जैसे को झाड़ लगाएगा तो चले जाएगा, तुम चले जाए तो मर जाए, पटक गए तो मशीन मर जाए। दो लाइन में लगे और कम से कम जो भी चले जाए एक में भी लग जाए तो कुछ लाभ होगा, ऐसा नहीं लाभ होगा। हिंदी का ही पढ़ना चाहिए ऐसा नहीं, संस्कृत पढ़ो, इसका हिंदी में पढ़ो, देखो आचार्यों ने जो वाणी लिखी है।
हिंदी में पढ़ना मना नहीं है पर संस्कृत की वाणी को छोड़ना नहीं है। समझ में तो समझ, एक बार पढ़ो सब कुछ हिंदी और क्या बाजू में दिया रहता है। देखो जो आचार्य ने लिखा है वो तो बहुत अच्छी बात है, जब हमने कोई नियम लिया है जो आचार्य ने अपने शब्दों से लिखा है उस नियम को ये शब्द को अपनी जिब्बा पर भी करना चाहिए। कई बार जो शब्द है उसका हिंदी में सिंगल भी नहीं आ पाता, तो भाव तो आना चाहिए बस इसे पढ़ो उसका हिंदी अनुवाद पढ़ो उसका हिंदी अनुवाद दो चार बार पढ़ेगा संस्कृत का भाव अपना निकलने लगा। मैं कह रहा हूँ शुरुआत तो करना पड़ेगा कि नहीं, कभी ना कभी जिंदगी में हिंदी नहीं पढ़ते रहेंगे। संस्कृत पढ़ो उसका हिंदी अनुवाद पढ़ो, संस्कृत पढ़ो हिंदी अनुवाद पढ़ो, चार से दिन लगातार पढ़ो तो संस्कृत का काम रहेगा। वक्ता हुआ हिंदी पढ़ो संस्कृत पढ़ो, तो ऐसा ही संस्कृत को छोड़ना नहीं है। आचार्य भगवान की मूल वाणी को है ये तो हिंदी अनुवाद है, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं ऐसा नहीं, मानते कि भाव लगना चाहिए बड़े तो संस्कृत को भी छोड़ना नहीं है। किमर्थं तत्र मनोयज्ञम् इति दृष्ट्या, किस कारण से मन को उसमें लगाना चाहिए ऐसा इच्छा हो करना दूर करना मैं दे रख दूँ। क्या बोल रहे हैं दृष्टियों से सभी से करवट प्रार्थना है कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा पत्रिका तैयार है, वो विभिन्न क्षेत्रों पर जानी है और श्री जी को अर्पित करनी है। समाज श्रेष्ठियों से है कि वो अपने हस्तलिखित पत्रिका तैयार कर दें। लिख दो पहले बिहार जैन मन समाज का आज बहुत ही पुण्यशाली दिन है कि ऐसी पंचकल्याणक जिसमें संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी का सानिध्य मिला हो, उनके द्वारा प्रतिष्ठित दिल्ली में प्रथम बार पहली बार चापिते
हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः करिणोक्षि सम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोन्नति परम् सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते बोली देवादि देवी खजाराट वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज के पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आप सभी लोग प्रायः प्रतिदिन मंदिर आते हैं भगवान के दर्शन करने। प्रायः शब्द इस कारण लगाया है कि कभी कभी आप लोग गोल भी कर जाते होंगे। क्यों? कभी कभी छूट भी जाता होगा, श्री जी का दर्शन करना छूट जाता है ना? कभी नहीं छूटता, किसी का नहीं छूटता। चलो बहुत अच्छी बात है, प्रतिदिन आप आते हैं दर्शन करने। क्यों आते हो दर्शन करने? यदि आप प्रतिदिन आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो भगवान के पास? जो लोग भी रोज आते हैं, कभी आपने सोचा है भगवान के दर्शन करने का उद्देश्य क्या है? प्रायः हर व्यक्ति दर्शन पाठ अवश्य पढ़ते हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम पढ़ते हो? जो आप पढ़ते हो कि भगवान के दर्शन से, इन देवादिदेव के दर्शन से क्या होता है? दर्शनम पापनाशनम, दर्शन करने से हमारे पापों का नाश हो जाता है। किसी को देखने से हमारे पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? कोई प्रश्न नहीं उठा आपके मन में? हम प्रतिमा के दर्शन कर रहे और पाप हमारे नष्ट हो जाए, कैसे संभव है? लिखा तो यही है कि भगवान के दर्शन से पापों का नाश होता है। मात्र दर्शन पाठ में नहीं, धवला ग्रंथों में आचार्य वीर सिंह स्वामी जी लिखते हैं, जिन्होंने षटखंडागम ग्रंथ की टीका की है, 16 भागों में वो टीका हुई है। जिनबिंब दंसेन दंशनेन निधत्ति निकाचित कम्मस्य विखयम् उवलम्भातो। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से निधत्ति निकाचित जैसे जो कर्म होते हैं उनका भी क्षय देखा जाता है। तो बड़े बड़े आचार्यों ने लिखा है, किसी पंडित की वाणी नहीं है, किसी पंडित की लेखनी से नहीं। आप दर्शन पाठ को किसी पंडित का कह सकते हो, लेकिन दर्शन पाठ में जो लिखा है वो आचार्यों के द्वारा लिखित प्राचीन ग्रंथ हैं, उन्हीं में से उद्धृत किया है। अब जिस बात को बड़े बड़े आचार्य परमेष्ठी ने लिखा है वो अन्यथा तो होगी नहीं, पूर्ण रूप से सत्य है, अक्षरश सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन प्रश्न उठता है कि किसी प्रतिमा को देखने से, वहां पर साक्षात जिनेन्द्र के दर्शन नहीं कहा आचार्य भगवान ने, क्या कहा? जिन बिंब दर्शनेन,
यानी जिन बिंब वह बिंब जो मंदिर में वेदी में विराजमान रहते हैं, जो सिंहासन में विराजमान करते हैं, जिनकी स्थापना आप लोग करते हैं, श्रावक लोग करते हैं, समो शरण में साक्षात जो भगवान बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो बिंब की बात कर रहे हैं, प्रतिमा की बात कर रहे हैं। वो प्रतिमा पाषाण की हो सकती है अथवा प्रतिमा धातु की हो सकती है, रत्नों की हो सकती है, कोई भी हो सकती है। और प्रतिमा अचल है, बैठी है एक स्थान पर सिंहासन में, हमेशा से वही रहती है। प्रतिमा साक्षात कुछ बोलती हुई दिखती नहीं है हमें, न कुछ हमारे लिए संकेत कर रही है साक्षात प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से। और एक पाषाण का बिंब अथवा धातु का बिंब, जिसको व्यक्ति देखे और उसके पापों का नाश हो जाए, कैसे होता है कभी सोचा आपने? किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को लाया जाए, जो तर्कशील व्यक्ति है, साइंटिस्ट है, उसको लाया जाए और उससे कहा जाए कि इस प्रतिमा के दर्शन करोगे आपके पापों का नाश हो जाएगा, बोले इससे क्या होता है, कैसे नाश होगा? कितने लोगों को विश्वास है आप में से कि भगवान के दर्शन से पापों का नाश होता है? शास्त्रों में लिखा है इस कारण मान रहा हूँ, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, पढ़ा है आपने इस कारण मान रहा हूँ, अथवा मुनि महाराज के प्रवचन में सुना इस कारण मान रहा हूँ। आपका अंदर का हृदय क्या बोलता है? होता है कौन से पाप आपके नष्ट हो गए, आपके कौन से पाप नष्ट हो गए? चलो हम आपसे पूछ रहे हैं कौन से, हाँ? मन में शांति आती है, अच्छे विचार आते हैं, आप लोगों का प्रश्न है नहीं, शास्त्रों में तो लिखा पापों का नाश होता है, प्रश्न है कि कैसे पापों का नाश हो जाता है? किसी प्रतिमा को देखने से पाप हमारे कैसे नष्ट हो रहे हैं? बुद्धि लगाओ थोड़ी सी, तर्क उठाओ। कोई तर्कशील व्यक्ति यदि कह दे सब फालतू की बातें हैं, किसी मूर्ति को देखने से पापों का नाश हो जाए, ऐसे कैसे संभव है? क्यों नाश हो जाएगा? देखने से नाश कैसे हो जाएंगे पापों? क्या होता है आखिर व्यक्ति के भीतर? हम आपके समक्ष प्रश्न रख रहे, चलो प्रतिमा के रोज आप दर्शन करते, जिन बिंब के दर्शन करते, कैसे नाश होते पाप हमारे? क्या होता है अंदर, कौन सी प्रक्रिया घटित होती है जिससे कहा जा रहा है कि पाप नष्ट हो रहे हैं? क्या अनुभूत हो गया आपको इतने दिनों में आप दर्शन कर रहे हैं, इतने वर्षों से कर रहे हैं? कौन कौन से पाप आपके चले गए जीवन से? लिखा तो है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन बुद्धि के हिसाब से हम सिद्ध करना चाहें तो क्या करेंगे? दिखना ही नहीं, पाप के नाश की हम बात कर रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, कौन से पाप हमारे झड़ रहे हैं? हाँ, आपके समक्ष प्रश्न रख रहे, चलो हमें उत्तर दो आप लोग। क्यों, जितने लोग बोल रहे हैं ना, सुनो अब ध्यान से, अंदर से आपका विश्वास नहीं है। हम कह रहे हैं ऊपर ऊपर से सब कह रहे हैं, ऊपर ऊपर से हाथ उठा रहे हैं, अभी अंदर से विश्वास नहीं है, क्योंकि पढ़ लिया है इस कारण चलो होता होगा कुछ ना कुछ। हाँ विश्वास तो है लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं, अथवा समझ नहीं पा रहे कैसे पापों का नाश हो रहा है। एक पाषाण की प्रतिमा को देखने से दो मिनट देखता है, कोई पांच मिनट देखता है, कोई घंटे भर देखता है, क्या हो जाता है आखिर? ये प्रश्न तो हमारा भी है, क्या उत्तर होना चाहिए उसका? एक कोई भी व्यक्ति आकर के पूछ ले, कोई उत्तर होगा आपके पास? सब अपनी श्रद्धा का उदाहरण दे करके रख दोगे, शास्त्रों की बात रख दोगे कि हमें शास्त्रों में लिखा है, हमारा विश्वास बोलता है। आज का विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करता, वो तो प्रूफ मांगता है।
प्रूफ दो आप तो पहले, हम कैसे विश्वास कर लें? पाप नष्ट हो रहे हैं, हमारे दुख कम हो रहे हैं। कभी बुद्धि लगाई? नहीं लगाई। बहुत अच्छा प्रश्न है, हमारे मन में भी उठता है। अब देखो, प्रक्रिया समझने की कोशिश करो। बिल्कुल होता है, पापों का नाश होता है। जब हम प्रतिमा को देखते हैं तो हमारे भीतर क्या परिणति घटित होती है, थोड़ा उसका अध्ययन करने की कोशिश करो। प्रतिमा जो है एक संकेत दे रही है, प्रतिमा का एक ऑरा है, आभा मंडल है, प्रतिमा का एक विज्ञान है। जैसे ही व्यक्ति इस प्रतिमा के समक्ष आता है, उस ऑरा से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। एग्जाम्पल के लिए, पापी से पापी व्यक्ति भी आचार्य भगवान के दर्शन करने जाता है, सात्विक वृत्ति का वो नहीं है, देखता है, लेकिन उनके दर्शन करके, उनको देख करके अथवा उनसे चर्चा करके वो अपने आप ही इस प्रकार से प्रभावित हो जाता है, विचारता है, सोचता है, आखिर यह भी एक जीव है, इनका भी एक पुरुषार्थ है, इनकी भी साधना है, मुझे भी कुछ इस प्रकार से अपने जीवन को बनाना चाहिए। आचार्य भगवान उनसे कुछ कह नहीं रहे अभी ज्यादा, आचार्य भगवान अपने में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं अथवा स्वाध्याय में बैठे हैं, उन्होंने कोई चर्चा नहीं की उससे, लेकिन देख करके उसकी विचारधारा क्या हो जाती है, कैसे हो जाती है, उस ऑरा में जैसे ही हम एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, उस आभा मंडल में हम जैसे ही प्रवेश करते हैं, हमारे भीतर भी कुछ विचारों का संक्रमण होता है। हमारा भी एक आभा मंडल है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक ऑरा होता है। जैसे ही वो किसी पावरफुल ऑरा वाले व्यक्तित्व के समक्ष पहुंचता है, उस पावरफुल व्यक्ति का जो आभा मंडल होता है वो उसे प्रभावित करने लगता है, तुरंत प्रभावित करने लगता है। उस एटमॉस्फेयर में रहकर के वहां की जो ऊर्जा है, वहां का जो वातावरण है, इस प्रकार का है कि अपने आप ही उसका मन शांत होने लगता है। वो सोचकर कि आया भी आया हो, मुझे ये गलत करना, वो गलत करना, नहीं, वो अपने आप ही इस प्रकार से अंतः प्रेरित होने लगता है कि नहीं, ठीक नहीं जो मैं करते आया हूं, मेरे योग्य नहीं था जो मैंने किया है, और मुझे इस प्रकार से नहीं करना है। यानी उसके अंदर में क्या घटित होता है, अंदर एक विचारधारा पैदा होना शुरू हो जाती है, नहीं ये कार्य जो ठीक नहीं है, मुझे नहीं करना है। उन्होंने कुछ कहा नहीं उससे त्यागने के लिए, लेकिन उनके ऑरा का यह प्रभाव होता है। ठीक ऐसे ही जब हम भगवान के समक्ष आते हैं, प्रतिमा के समक्ष आते हैं, प्रतिमा का ऑरा सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, आभा मंडल। आप मंदिर में एंटर कर रहे हैं, यानी उस रेंज में ऑटोमेटिकली आने लगे, और जैसे उस रेंज में आए, आपकी प्रवृत्ति जो भीतर न जाने कितनी काषायिक भी क्यों ना हो, पाश्विक भी क्यों ना हो, बहुत ज्यादा तीव्र भी क्यों ना हो, वो शांत होने लगती है। यानी तुरंत जो इफेक्ट होता है, एक अलग ही प्रकार का शांत वातावरण का इफेक्ट है कि हम अंदर से शांत होने लगते हैं। ऐसी छवि को देख करके, ऐसे रूप को देख करके पाश्विक वृत्ति वाला जीव भी क्यों ना हो, तामसिक वृत्ति वाला जीव भी क्यों ना हो, उसकी प्रवृत्ति सबसाइड होने लगती है,
उपशमित होने लगती है, दबने लगती है ऑटोमेटिकली। और जब उसकी प्रवृत्ति इससे दबने लगेगी तो उसके भीतर जो विचार पैदा होंगे, अब तामसिक विचार पैदा नहीं होंगे, उसके भीतर जो विचार पैदा होंगे एकदम सात्विक विचार पैदा होंगे। उसके भीतर जो भाव पैदा होंगे, जो लेश्या होगी उसकी, जो भीतर आत्मा का परिणाम पैदा होगा, वह शुभ रूप परिणाम पैदा होता है, अशुभ नहीं हो सकता। आने के पूर्व तो अशुभ परिणाम हो सकता है, उसकी लेश्या कृष्ण नीलादि हो सकती है, अशुभ से अशुभतर हो सकती है, लेकिन जैसे ही वह एंटर करता है उसकी लेश्या कृष्ण नील से पलट करके पीत पद्म की ओर अथवा शुक्ल की ओर बढ़ने लगती है। लेश्या मतलब जानते हैं, आत्मा का परिणाम। कषायस अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेश्या, कषायों से सहित हमारे भीतर के योग की प्रवृत्ति वो लेश्या कहलाती है। तो जो कषाय तीव्रतम थी पहले यहाँ एंटर होने की, अब उस कषाय में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। ये बदलाव किस कारण आया? इन प्रतिमा के देखने से, दर्शन करने से। अब दो चीज है, एक तो प्रतिमा उपस्थित है यहां पर, और दूसरा जो दर्शन करने वाला व्यक्ति यदि रिसेप्टिव है, रिसेप्टिव मतलब जानते हो, ग्रहण करने के लिए जो हमेशा तैयार रहता है, रिसेप्टिव मतलब जिसने अपने हृदय के दरवाजों को खोल करके रखा है, जो बाहर से कुछ भीतर प्रवेश करना चाहता है, जो हमेशा उसे परमिट कर रहा है, परमिशन दे रहा है कि नहीं मैं चाहता हूं। दो प्रकार के लोग आते हैं भगवान के पास, एक तो रिसेप्टिव लोग आते हैं जो अंदर से तैयार रहते हैं कुछ अच्छा ग्रहण करने के लिए, और एक होते हैं जो अपने उस दरवाजे को बंद करके आते हैं यहां पर, लेकिन उनका भीतर का दरवाजा बंद है, यानी वो रिसेप्टिव मोड में नहीं होते हैं, वो रिपल्सिव मोड में होते हैं, जो भी जा रहा है उसको तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, या यूं कहें रिजेक्टिव मोड में होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो रिजेक्टिव मोड में आया है वो भी प्रभावित होता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो रिसेप्टिव मोड में आया है, यानी जो ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। सुनना, दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक जो रिसेप्टिव मोड वाले होते हैं उनका परिणाम बहुत जल्दी अच्छा होने लगता है, बहुत शांत होने लगता है तीव्र गति से, और जो रिजेक्टिव मोड वाले होते हैं, इन्हें मना करने वाले, निषेध करने वाले, उनका परिणाम शांत तो होता है लेकिन कम होता है थोड़ा। समझ में आ रही बात? तो सबसे ज्यादा इसमें प्रभाव डालने वाला निमित्त कौन सा बनता है? नहीं नहीं निमित्त की हम बात कर रहे हैं, वो प्रतिमा बन रही है, निमित्त जो सहयोगी है, वो प्रतिमा का ऑरा, जो प्रतिमा का आभा मंडल है। अभी आपको कुछ आ नहीं रहा है यहां पर, ना आपको मंत्र आ रहा है, ना आपको पूजन करना आ रही है, ना आपको ABCD मालूम है धर्म के बारे में, कुछ भी नहीं पता है। आप धर्म की कुछ ABCD नहीं जानते, सिर्फ खड़े हैं, देख रहे हैं, कुछ भी नहीं पता है, फिर भी वो भगवान का ऑरा, प्रतिमा का ऑरा, आभा मंडल ऐसा निमित्त बनता है, वो आभा मंडल हमें ऑटोमेटिकली प्रभावित करते चले जाते। संगति का प्रभाव होता है, सुना है ना? जैसी संगति होती है वैसी ही मति होती है। तो यहां पर सबसे बड़ी जो संगति का प्रभाव हो रहा है वो भगवान की ऑरा का प्रभाव होता है। इस ऑरा में एंटर करते ही हम ऑटोमेटिकली उनसे प्रभावित होने लगते हैं, फिर हमारा बहुत कम रहता है, जो कुछ होता है सब कुछ उस प्रतिमा का होता है। प्रभाव डालने वाली वो प्रतिमा होती है, फिर उसी के अनुरूप हमारी सोच बनती चली जाती है। ऐसा व्यक्ति जो यहां पर है, अब वो सोचता है भले ही वो पापी से पापी क्यों ना हो, चोर वृत्ति वाला, डाकू वृत्ति वाला, कैसा भी वृत्ति वाला क्यों ना, कुछ समय के लिए सोचता है, थोड़ी देर के लिए अवश्य चिंतन करता है, जो मैं कर रहा हूं ठीक नहीं हो रहा है, सही नहीं है, होना नहीं चाहिए था। थोड़ी देर के लिए जो ये विचार पैदा हुए उसके मन में, अब इन विचारों के जो पैदा हो रही है उसकी लेश्या है, शुभ है,
परिणाम है अच्छे हैं, कषाय मंद है, तीव्रतम नहीं है। तो जैसे ही मंद कषाय होती है हमारी, उस मंद कषाय के माध्यम से जो कुछ भी कर्म का आश्रय हम करते हैं वो शुभ कर्म का ही आश्रय होता है, पुण्य कर्म का ही आश्रय होता है, पाप का नहीं होगा यहां पर। और जब पुण्य कर्म का आश्रय होता है तो हमारी सत्ता में जो पूर्व में पड़े हुए कर्म होते हैं वो पाप रूप वाले भी हो सकते हैं, पुण्य रूप वाले भी हो सकते हैं। एक कार्य होता है, पाप कर्म कुछ मात्रा में अधाप्रवत संक्रमण के माध्यम से पुण्य के रूप में बदलते हैं, बदलते हैं निश्चित रूप से। ये सिद्धांत की अपेक्षा हम बता रहे हैं। अब कोई लेमैन है जो धर्म को नहीं जानता, कर्म सिद्धांत को नहीं मानता है, उसकी दृष्टि से सोचने की कोशिश करें। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो कर्म सिद्धांत को नहीं मानता, वो आत्मा को भी नहीं मान रहा, मान लो उसे कुछ दिख नहीं रहा, कर्म कौन से बदल रहे हैं कौन से नहीं बदल रहे दिख तो हमें भी नहीं रहा। लेकिन जो हमारी विचारधारा मंदिर में भगवान की प्रतिमा के समक्ष होती है, जो विचार होते हैं वह शुभ होते हैं, और शुभ विचार में व्यक्ति जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी नया बांधेगा वो अच्छा ही बांधेगा और पुराना कुछ ना कुछ बदलता है। एग्जाम्पल, एक कैदी है जेल में है, ठीक है, खूंखार कैदी, सजा काट रहा है, आजीवन कारावास मान लो, मर्डर के केस में गया, आजीवन सजा काट रहा है। कुछ साल हो गए सजा काटते काटते, एक जेलर आता है, उस जेलर के व्यवहार से वो प्रभावित हो जाता है, उसके उपदेश से वो प्रभावित हो जाता है, और वह पश्चाताप की अग्नि से भरता है अपने किए हुए पाप के। भीतर ही भीतर सोचता है जो पाप मैंने किया, पाप तो कर दिया, लेकिन आज मुझे उसकी प्रति घृणा हो रही, जो मैंने किया बिल्कुल गलत किया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, उस जीव को समाप्त कर दिया, न जाने क्या क्या। वो अंदर ही अंदर एक ग्लानि के भाव से भरता है, अंदर ही अंदर एक पश्चाताप के भाव से भरता है, उस जेलर को उपदेश को सुन करके, उसके व्यवहार को देख करके। अब वो अंदर ही अंदर जैसे ही ग्लानि के भाव से भरता है, फिर उसके पश्चात क्या होता, उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। जो उसकी क्रूरता थी अब धीरे धीरे शांत होने लगी और वह सौम्यता के रूप में परिवर्तित होने लगी। अब वो भले ही जेल में रह रहा है लेकिन बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, सबका ध्यान भी रखता है, अन्य कैदियों का जैसे जैसे बताया जाता उसका निर्देश का वो पालन भी कर रहा है, और धीरे धीरे उसका स्वभाव इतना बदल जाता है, इतना बदल जाता है कि जो आजीवन कारावास होता है उसकी सजा फिर धीरे धीरे कम भी हो जाती है, होता है नहीं होती। कैदी है, यदि उसका बिहेवियर बदल गया, उसका जीने का ढंग बदल गया तो उसकी सजा अवश्य कम हो जाती है। ये प्रत्यक्ष में देखने में आता है लौकिक उदाहरण के माध्यम से। ऐसे ही पापी से पापी व्यक्ति भगवान के समक्ष आया, प्रतिमा के समक्ष आया। अब प्रतिमा को उसने देखा, अंदर ही अंदर वो एक पश्चाताप की अग्नि से भरा। कौन से पश्चाताप की अग्नि से? भगवान के स्वरूप को देखा, वीतरागी छवि को देखा, और तुरंत तुलना करता है अपनी आत्मा की उनसे, अपने किए हुए पापों के बारे में वो चिंतन करता है, मनन करता है, सोचता है, और अंदर ही अंदर धिक्कारता है अपने आप। कभी आपके मन में ऐसे धिक्कार की भावना पैदा होती अपने किए हुए कृत्यों के प्रति? थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो, जिनेंद्र भगवान के दर्शन ध्यान से करोगे तो, इस प्रतिमा के दर्शन बहुत अच्छे से कोशिश करके करोगे तो जो थोड़ा सा समझदार व्यक्ति होगा सोचेगा विचारेगा, एक स्वरूप महावीर भगवान का, आदिनाथ भगवान का भी है, एक छवि वीतरागी उनकी भी है और एक छवि मेरी अपनी है, एक जीवन उनका एक जीवन मेरा है, मैंने जो अतीत में जीवन जिया है किस प्रकार से जिया है, अरे भगवान का स्वरूप कैसा है, एक वो शिक्षा दे रही प्रतिमा। मूर्ति नहीं बोल रही है लेकिन इनडायरेक्ट वो बोलती भी है। जो इसे पढ़ लेता है, जो उनके शब्दों को सुनता है, ऐसा व्यक्ति क्या अंदर ही अंदर अपने किए हुए कृत्यों के प्रति पश्चाताप की अग्नि से भरता है।
कई बार किसी से बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं जो दुनिया को पता नहीं रहते, जग जाहिर नहीं होते, आपने किसी को नहीं बताया, सिर्फ आप अकेले जानते हो अथवा भगवान जानते हैं। व्यक्ति स्वयं जानता हो भी कभी कभी उसके मन में भगवान की छवि को देख करके, प्रतिमा के दर्शन करके विचार पैदा होते हैं, आखिर देखो मेरा जीवन कैसा है। पापी से पापी व्यक्ति, शराबी से शराबी व्यक्ति जो होता है ना, कभी उसका मन उसे कहता है, अरे मेरे जीने का ढंग कैसा अजीब टाइप का है, भगवान आपका स्वरूप कैसा है और मैं किस प्रकार की जीवन की यात्रा कर रहा हूँ, मैंने जो जीवन जिया अभी तक का बहुत गलत जीवन जिया, गंदा जीवन जिया, न जाने मेरी रग रग में किस प्रकार के पाप समाहित थे, 24 घंटा मैं सिर्फ पापों में ही डूबा रहता था। लेकिन भगवान आपकी छवि को देख करके अब सोचता हूँ कि मुझे भी अपने भीतर कुछ परिवर्तन अवश्य लाना चाहिए। तो जैसे ही विचार उसके भीतर पैदा होते हैं, उस कैदी की भांति जो जेल में बनता आजीवन कारावास काट रहा था, अब उसका व्यवहार बदला तो सजा कम हो जाती है, तो ये विचार हमारे भीतर पैदा होते हैं तो हम भी एक सजा काट ही रहे हैं इस दुनिया में। कौन सी सजा को काट रहे हैं? जो कर्म अपन कर करके आए हैं, जिसे कहा जाता है ना पाप रूपी कर्म, वो पाप कर्म का अनुभाग, उसकी पोटेंशी, उसकी इंटेंसिटी पश्चाताप करने से धीरे धीरे कम होती है। कॉन्फेशन, आप कन्फेशन आपने सुना होगा वर्ड। दुनिया में बहुत सारे मजहब हैं, धर्म है, कन्फेशन वो लोग भी स्वीकारते हैं, सुना? कई जगह उसे कन्फेशन कहा जाता है, कई जगह उसे तौबा तौबा कहा जाता है, कई जगह उसे प्रतिक्रमण कहा जाता है, आलोचना कहा जाता है। यहाँ पर हम प्रतिक्रमण कह लें, आलोचना कह लें, कुछ भी कह लें। तो अंदर जो हमारे भीतर ग्लानी का भाव अपने किए हुए कृत्यों का के प्रति पैदा हो रहा है, वो ही ग्लानी का भाव हमारे अशुभ को कम करता है, वो ग्लानी का भाव हमारे पाप को कम करता है। तो कहा है जिनेंद्र भगवान का दर्शन पाप का नाश करने वाला। अंदर ही अंदर हम फील करते हैं एक अलग ही प्रकार की आत्मिक शांति की, हम अनुभव करते हैं अलग ही वातावरण का। कहां पर? जब इन प्रतिमा के दर्शन करते हैं। एक प्रतिमा ये वितरागी है, छवि वाली है, और एक दूसरे रूप को आप निखारते हो किसी थिएटर में जाकर, पिक्चर हॉल में जाकर के बड़े स्क्रीन में किसी ऐसे चित्र को देखते हो, तब भी आपके मन में कुछ विचार उठते हैं, उठते नहीं? उठते। किसी चित्र को आपने देखा, हीरो हीरोइन के चित्र को देखा, तब भी कोई पैदा विचार हो रहा है, और यहाँ पर अगर छवि को देखा तब भी विचार पैदा हुआ। लेकिन वहाँ जो विचार पैदा हुआ वो संसार को बढ़ाने वाला विचार, वहाँ जो विचार पैदा हुआ काम का विचार पैदा हुआ, पाप का विचार पैदा हुआ, किसी के प्रति हिंसा की भावना से भरने वाला विचार पैदा हुआ, और यहां जब पैदा हुआ विचार अहिंसा की भावना से भरने वाला विचार पैदा हुआ। भगवान के रूप को हमने देखा, भगवान के आचरण को हमने पढ़ा, जैसा भी देखा होगा अतीत में उन्होंने क्या किया, तो उस हिंसा को त्यागा, अहिंसा को अपनाया, तो हमारे मन में भी विचार पैदा हुआ कि जब भगवान सबके लिए उस करुणा के भाव से, अनुकंपा के भाव से भर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं अपने भीतर उस पाप को कुछ ना कुछ आंशिक रूप से ही सही कम अवश्य करूंगा। एक संकल्प भीतर से अपने आप ही पैदा होना शुरू होता है, ध्यान से सुनना, कोई आपको कह नहीं रहा अभी, लेकिन यह होगा तब जब आप रिसेप्टिव मोड में यहां पर आओ, खुले दिल और खुले दिमाग से ग्रहण करने के लिए तैयारी से अपने भीतर उस भावना को रखते हुए यहाँ पर आएंगे, तब कहीं जाकर के वह जिन बिंब दर्शन अथवा दर्शनम पाप नाशनम घटित होगा। अन्यथा ढंग से देखते हैं न मंत्र पढ़ते, क्योंकि प्राय तो ऐसे ही होता है ना, ऊपर ही ऊपर होता है द्रव्य से कि अंदर से होता है,
भावों से, प्राय द्रव्य से ही सब चलता है, ऊपर ऊपर चलता है, मूल पटकने की क्रिया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो भी आप अभी यहाँ पर क्रोध से नहीं भरे रहेंगे, गुस्से से भरे होते, भले ही आपको ABCD नहीं आ रही धर्म की, भले ही आपको कोई श्लोक नहीं आता हो, मंत्र भी ना आता हो, और आपका मन भी और कहीं लगा हो, मान लो मंदिर में नहीं लगा, भगवान में नहीं लगा, आपका मन बच्चे में लगा, कहीं और लगा, तो भी आप क्रोध आदि से तो नहीं भरे, तीव्रता नहीं है। हाँ, लोभ हो सकता है थोड़ा बहुत, कथनचित बच्चे का लोभ हो सकता है, परिवार का लोभ हो सकता है, दुकान का लोभ हो सकता है, लेकिन उतनी तीव्रता नहीं होगी। तो यहाँ पर आकर के वो तीव्रता की कसाई में कमी भी आ गई, तो भी व्यक्ति जो है कुछ अच्छा ही गेन करेगा, अच्छा ही पाएगा। तो आप कौन से मोड लेकर के आते हो भगवान के पास, रिसेप्टिव में, रिजेक्टिव मोड में आते हो? कुछ ग्रहण करने के लिए, सब सबके हृदय के दरवाजे खुले, किस किस के खुले, सुनो ध्यान से, रिसेप्टिव मोड में आया करो, अपने आप को इस योग्य बनाओ कि यहाँ से जो ऊर्जा मिल रही है, भगवान का जो आभा मंडल है, भगवान का जो आरा है, ऑरा है, वो ऑरा हमारे भीतर तक प्रवेश कर जाए, उस आभा से हम इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाएं कि हमारा अपना कुछ ना हो करके जो कुछ भी हो वो भगवान का हो। जब एक हेलोजन जल रहा है और उसी के बाजू में एक 0 वॉट का बल्ब जल रहा है, एक साइड हेलोजन जल रहा है 1000 वॉट और एक 0 वॉट, तो 0 वॉट का प्रकाश है लेकिन हेलोजन के प्रकाश के आगे वो कोई कीमत नहीं रखता। प्रकाशित वो भी हो रहा है लेकिन अब उसका प्रकाश कैसा है, जो रंग हेलोजन का है जैसा प्रकाश उसका, सब वैसे ही उसका भी दिखेगा, भले 0 वॉट का थोड़ा सा नीला सा हो, लाल सी उसमें कलर वाली हो, ग्लास लगा हो, लेकिन अब उसका जो अपना था ओरिजिनल दब गया, जो भी कुछ आ रहा है हेलोजन के ही प्रभाव से आ रहा है, ऐसी है ना। तो भगवान का ऑरा कैसा है, हेलोजन नहीं बल्कि सूर्य की भांति है, सूर्य की भांति है। हेलोजन तो बहुत छोटा है एग्जाम्पल के लिए, लेकिन सूर्य इतना प्रकाशवान, जब दिन के 12 बजे सूर्य निकला होता है, उसकी किरणें चारों तरफ फैली होती हैं, उस समय भी जुगनू होते हैं, जुगनू उस समय भी होते हैं, लेकिन उन जुगनू का प्रकाश नहीं दिखता कभी, होते कि नहीं होते, होते हैं, रात के अंधेरे में जुगनू चमकते हैं, तो क्या दिन में उनका प्रकाश गायब हो जाता है, नहीं, प्रकाश होता तो है लेकिन सूर्य का तेज इतना अधिक है कि जुगनू में प्रकाश होते हुए भी वो है नहीं है पता ही नहीं चलता। अपन सब कैसे हैं, उस जुगनू की भांति हैं, और भगवान की प्रतिमा कैसी है, चमकते हुए सूर्य, एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्य की भांति है, उनका आभा मंडल कैसा है, जैसा प्रकाश करोड़ों सूर्य में आता है, जैसा तेज करोड़ों सूर्य में आता है, जैसी ऊष्मा जैसी ऊर्जा करोड़ों सूर्य में होती है, वैसी ऊष्मा वैसी ऊर्जा उस जिनबिंब में होती है। तो ऐसी करोड़ों सूर्य वाली ऊर्जा के क्षेत्र में यदि हम एंटर करेंगे तो हमारा जो जुगनू का प्रकाश है वो एकदम दब जाएगा, और जो भी नजर आएगा सिर्फ सूर्य का प्रकाश नजर आएगा। समझ में आ रही बात, जुगनू का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, अस्तित्व होते हुए भी इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें प्रकाश है भी कि नहीं। तो उसमें वो जुगनू भी उसमें हो जाता है, कहने का अभिप्राय तो ठीक ऐसे ही, जैसे हम भगवान के समक्ष आते, प्रतिमा के समक्ष आते हैं, अब हमारी कोई वैल्यू नहीं, अब हमारा प्रकाश भी उन भगवानमय ही हो जाता है। तो भगवानमय होते हुए भी हमारा भीतर का जो भाव दब जाता है, और वो पापों का जो नाश लिखा है आगम में, जिनबिंब दर्शनेन निदत्ति निकाचित कमस्य विखयम् उल्लम्बादु, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उतने समय के लिए, और यदि उस समय कोई व्यक्ति भीतर से खुला हो तो वह अपने आप एक संकल्प लेता है कि नहीं, अब मुझे अपने आप को भीतर से बदलना है, जो गलत मैंने किया है पूर्ण रूप से ना सही छोड़ पाऊं लेकिन उसमें आंशिक रूप से कमी तो अवश्य लेकर आऊंगा।
यानी वो फ्यूचर संबंधी जो पाप उसे बंधने वाले थे उन पापों को भी ऑटोमेटिकली रोकता है। वर्तमान में तो वो पाप कर ही नहीं रहा, वो पुण्य का ही बंध कर रहा है, और जो अतीत में बांध करके आया था इस जीव ने, वो अतीत संबंधी पाप भी कुछ सर्टेन परसेंटेज में बदलते हैं, उसका रूप बदल जाता है, यानी उसका जो है भाव पाप का भाव पुण्य के रूप में कन्वर्ट होता है। एक संक्रमण की विधि आगम में बताई है, जैसे उदाहरण के लिए वो कैदी है, भले ही उसे सजा आजीवन कारावास की मिली है, लेकिन एक योग्य निमित्त कोई जेलर का अथवा योग्य कोई व्यक्ति वहाँ पर मिल जाए तो वह पश्चाताप की अग्नि से भरता है और सोचता है कि नहीं, अब भविष्य में मैं इस प्रकार से अपना आचरण करूँगा कि मेरी क्रूरता जो अभी तक थी वह क्रूरता को बदल करके मैं उसको सौम्यता के रूप में, सद्भाव के रूप में लेकर के आऊँगा, और उसकी वही सौम्यता वही सद्भावपना लोगों को मजबूर करता है उसकी सजा कम करने के लिए। हमारी क्रूरता यहाँ पर आकर के शांत हो जाती है, हमारे क्रोध के परिणाम भगवान के पास आकर के, कषाय के भाव भगवान के पास आकर के शांत हो जाते हैं, तो ये भाव हमें प्रेरित करते हैं, नहीं अब भविष्य को मैं कुछ अच्छा बनाऊंगा। तो जैसे ये प्रेरणा भीतर से पैदा हुई, जैसे ये भाव भीतर से पैदा हुए, वो हमारे लिए क्या देते हैं, पुण्य को देते हैं और हमारे पाप को नाश करते हैं। समझ में आई नहीं आई, समझ में कोई डाउट तो नहीं, प्रश्न तो नहीं सोचना, लेकिन उसके लिए ज़्यादा प्रभावकारी रहेंगे जो अंदर से खुला होगा कुछ ग्रहण करने के लिए, और जो अंदर से अपने आप को बंद करके आएगा उसके लिए ज़्यादा प्रभाव नहीं। सूर्य आता है आपके दरवाजे तक आ सकता है, लेकिन आपको दरवाजे खोलना पड़ेगा तब कहीं उसकी किरणें अंदर तक प्रवेश करेंगी, खिड़की को खोलना पड़ेगा तब कहीं किरणें भीतर प्रवेश करेंगी। सूर्य का पुरुषार्थ उस आकाश से आपके खिड़की तक का है, अभी हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि खिड़की के दरवाजे को हम खोलें, सूर्य उसे नहीं खोलेगा। खोलेगा सूर्य? सूर्य कभी नहीं खोलेगा। सूर्य का पुरुषार्थ बहुत बड़ा, करोड़ों मील चल करके वो आपके द्वार तक आ गया, उसकी किरणें कहाँ से आई, आकाश से, में करोड़ों मील चल करके आपके दरवाजे तक आई हैं। अब इतना पुरुषार्थ तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, बिस्तर से उठ करके खिड़की के पल्लों को खोलना कि नहीं, कि आप चाहते हो नहीं महाराज जी सूर्य आकर के हमारी खिड़की भी खोल दे, रजाई भी अलग कर दे, उठा भी दे, तैयार भी कर दे और सब कुछ कर दे, ऐसा क्यों अनिल जी, यही चाहते हो, भगवान सब कुछ कर दे, हमें उठा भी दे, पाप भी समाप्त कर दे, पुण्य भी दे दे, सारी अनुकूलता दे, नहीं। भगवान का ऑरा इतना है, इतना लंबा चौड़ा है कि उस ऑरा में के माध्यम से हमने इतना पा लिया, लेकिन वह पूर्ण रूप से तब संभव होगा जब अंदर से हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे अपने हृदय को खोलने का, उस दरवाजे को खोलने से ही वो पूरा का पूरा ऑरा भीतर तक प्रवेश करेगा, वो ऊर्जा भीतर तक प्रवेश करेगी, फिर पूर्ण बदलाव होगा। यानी वो जो लिखा है पाप रूपी कर्म निधत्ते निकाचित रूपी कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, तो वो अन्यथा नहीं लिखा है। थोड़े से भावों को बना करके रिसेप्टिव मोड में भगवान के समक्ष छाया करो, बिंब की बात कर रहे हैं, चैतन्य भी भगवान की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जब बिंब ही इतना प्रभावशाली होता है तो चैतन्य भगवान कितने प्रभावशाली होंगे। तो जाग जाओगे कि नहीं, खोलोगे अपने हृदय के दरवाजे कि नहीं खोलोगे, तो जागो, सोने से पहले जाग जाओ अच्छा है, सोने से पहले जाग जाओ, सोने के बाद नहीं जागो, हम बोल रहे सोने से पहले, नहीं इस दुनिया में सोने से पहले जाग जाओ तो अच्छा है, समय आपका हो गया है, कल आपकी रथ यात्रा है और शाम को भक्तामर की आरती है, अच्छे से तैयारी कर लेना कल की रथ यात्रा के भी शाम की भी, लेकिन उससे पूर्व दोपहर को सभी लोग 3 बजे के आसपास श्री जी की आगवानी करने जाएंगे सूरजमल विहार में, भगवान जी आएंगे आचार्य भगवान के हाथों से प्रतिष्ठित होकर के आ रहे हैं। कितने लोग आ जाएंगे दोपहर को, आ जाएंगे सभी लोग, सूरजमल विहार चलेंगे, वहाँ से भगवान की आगवानी करेंगे, वह पहली बार इस दिल्ली नगरी में आचार्य भगवान से प्रतिष्ठित होकर के प्रतिमा आ रही है। बोले देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान के।
आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।